दोस्तों ये रहा हर की पौड़ी, आप लोग देख पा रहे होंगे, और यहाँ से गंगा माता का उद्गम होता है। और ये रहा नज़ारा, यहाँ पे लाखों का भीड़ एवरीडे आप लोगों को देखने को मिलेगा। और कल से हो जा रहा है सावन स्टार्ट, जो कि कल है 22 जुलाई। और ये रहा नज़ारा, यहाँ से सबको अभी जल उठा के और भारत के हर एक कोने पे जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। दोस्तों फाइनली अभी भाई लोग भोले बाबा को स्नान कर दिए हुए हैं, अब इन लोग उठाने वाले हैं। और ये जो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। और दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, पिछले ब्लॉग वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग धनबाद से हरिद्वार पहुंच चुके हैं। और ये रहा सामने में हरिद्वार रेलवे स्टेशन। और दोस्तों अब आप लोगों को मेरे चैनल पे कंटिन्यू वीडियो देखने को मिलेगा, जो कि कांवर यात्रा से रिलेटेड, साथ ही में डीजे सार्जन का भी अपडेट वीडियो मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से दूंगा। और दोस्तों अभी हम लोग जाने वाले हैं हर की पौड़ी, जो कि हम लोग वहाँ पे स्नान करने वाले हैं। और वहाँ का भी आप लोगों को मैं नज़ारा दिखाऊंगा कि किस तरह से सावन पे यहाँ पे क्राउड है। तो चलिए दोस्तों वीडियो का स्टार्ट करते हैं। चैनल पे यदि आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इस तरह का वीडियो मिलता रहे। तो चलते हैं दोस्तों, और सारा चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन से आप लोगों को कैसे जाना है हर की पौड़ी, जो कि वहाँ पे गंगा माता का हम लोग दर्शन करने वाले हैं और साथ ही में स्नान भी करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बाहर का नज़ारा, यहाँ पे शिव जी का स्टेचू है, साथ ही में वहाँ पे भी है। और ये रहा रेलवे स्टेशन का नज़ारा, जो कि काफ़ी बड़ा ये रेलवे स्टेशन है हरिद्वार का। तो आइए मैं आप लोगों को शिव जी का भी दर्शन करवाता हूँ। इस जगह पे एक स्टेचू है। और यहाँ का जो मौसम है दोस्तों, वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल का है, मतलब गजब का यहाँ पे वाइब्स है दोस्तों। और ये रहा पूरे नज़ारा, और ये रहा ढोल ताशों के साथ आदमी यहाँ पे ये कर रहे हैं नज़ारा कुछ इस तरह से। और ये रहा यहाँ पे पूजा हो रहा है। फाइनली अभी हम लोग रेलवे स्टेशन से निकल चुके हैं हर की पौड़ी की ओर। और यहाँ से आप लोग ऑटो ले सकते हैं, सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी पे है, जो कि आप लोगों को किराया लग जाएगा 20 रुपीज। तो वहाँ से आप लोग आराम से जा सकते हैं और जाके आप लोग दर्शन कर सकते हैं। तो चलते हैं गाइस, और क्राउड देख पा रहे होंगे ना, काफी नेक्स्ट लेवल का क्राउड है यहाँ पे। ये रहा सब जगह हॉर्न ही बज रहा सिर्फ। तो ये रहा अब हम लोग पहुँचने वाले हैं हर की पौड़ी, और यहाँ का कुछ इस तरह से है व्यू। ये रहा, तो चलते हैं हम लोग। और यहाँ पे बहुत सारा गाड़ी वगैरह भी खड़ी है, पार्किंग एरिया भी है। दोस्तों ये रहा फाइनली हम लोग हर की पौड़ी पहुँच चुके हैं, और सामने में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा माँ मनसा माता का मंदिर। और ये रहा नज़ारा यहाँ पे, ये पे उतारिएगा ना। सो गाइज फाइनली हम लोग उतर चुके हैं गाड़ी से। हाँ चलो, फाइनली हम लोग हर की पौड़ी पहुँच चुके हैं। और ये रहा सामने में गंगा माता का आप लोगों को, चलिए मैं दर्शन करवाता हूँ। और भीड़ काफ़ी ज़बरदस्त है, नेक्स्ट लेवल का भीड़ है। और आते आते मैंने आप लोगों को दिखाया कि डीजे का यहाँ पे मेला लगा हुआ है, इतना ज़्यादा यहाँ पे डीजे है। तो चलिए इस जगह से हम लोगों को इन करना है। और ये रहा देख पा रहे होंगे कितना बड़ा बड़ा यहाँ से कांवर जा रहा है। तो आइए आप लोगों को कांवर का भी मैं दिखाऊंगा कि कितने बड़े बड़े कांवर जा रहे हैं। ये रहा यहाँ से इन करना है। दोस्तों ये रहा मेन द्वार, यहाँ से हम लोग इन करेंगे। और भाई लोग अभी आगे जा चुका है, एंड यहाँ से गाड़ी आप लोग पार नहीं कर सकते हैं। और फाइनली गाइज जिसका हम लोगों को बेसब्री से इंतज़ार थी, वो जगह पे अभी हम लोग आ चुके हैं।
और यहाँ पे हम लोगों को स्नान भी करना है क्योंकि हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हुए हैं। और ये रहा नज़ारा हर की पौड़ी का, ये रहा दोस्तों, आप लोग कमेंट में जरूर लिखे हर हर गंगे। और ये रहा हरिद्वार का दर्शन, और अभी बाढ़ है, पानी का बहाव कुछ इस तरह से है। ये रहा यहाँ पे आप लोग बहुत सारा माला वगैरह तुरंत आप लोग लगा सकते हैं, मेहंदी वगैरह। और ये रहा भीड़, दोस्तों कौन कौन आप लोग हरिद्वार आए हुए हैं आप लोग कमेंट में जरूर लिखे। और पानी का बहाव काफी तेज है और यहाँ भाई लोग मस्ती करते हुए, ये रहा। तो चलिए आइए आप लोगों को दिखाता हूँ, और उस जगह का आप लोग नज़ारा देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। उसी जगह पे हम लोगों को जाना भी है, एंड ये रहा, यहाँ से आप लोग दर्शन कर सकते हैं माँ मनसा माता का। वहाँ पे मंदिर है जो कि 700 सीढ़ी आप लोगों को चढ़ना पड़ेगा तब आप लोग जाके दर्शन कर सकते हैं। तो ये रहा सामने में है हर की पौड़ी, तो आइए आप लोगों को मैं दर्शन करवाता हूँ। और दोस्तों माना ये जाता है कि सबसे पहले गंगा जो निकलती है वो यहीं से आके हर एक जगह पे बटी हुई है, जो कि वहाँ पे सुल्तानगंज भी, बिहार भी, बंगाल भी, हर एक जगह यहीं से फैला हुआ है। और यहाँ का जो गंगा माता का जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहेगी। तो जो भी रहेगा एक्सपीरियंस सारा चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा। और सामने में कांवड़ देख सकते हैं कितने लोग लेके आ रहे हैं, ये रहा। तो चलते हैं, सामने में ही आप लोगों को नजर आएगी, तो चलिए ऊपर की ओर। सो गाइस, यहाँ से हमको चढ़ना है और आप लोगों को हर की पौड़ी को मैं दिखाने वाला हूँ, और साथ ही साथ गंगा माता को आप लोगों को मैं दर्शन करवाऊंगा, क्योंकि माना जाता है कि जो भी यहाँ पे नहाते हैं उनका सारा पाप धुल जाता है। और इसीलिए पूरे भारतवर्ष में हर एक कोने कोने से लोग आते हैं और सावन में आके स्नान करते हैं। तो आइए आप लोगों को मैं दर्शन करवाता हूँ। और भीड़ तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे किस तरह से है, और अभी सावन स्टार्ट ही हुआ है और कुछ इस तरह से अभी भीड़ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है हर की पौड़ी, ये रहा। यहाँ से भी आप लोग अंदर की ओर जा सकते हैं, और यहाँ से आइए मैं आप लोगों को दर्शन करवाता हूँ। हाय, भोले बाबा की, भोले बाबा की जय, बम बम भोले, बोल बम बम बम। और आइए मैं आप लोगों को सामने से दिखाता हूँ, क्या मंदिर पे खड़ा हूँ मैं। ये रहा दोस्तों, हर की पौड़ी को आप लोग दर्शन कर सकते हैं कुछ इस तरह से है। और यहाँ का जो नज़ारा है वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल का है। ये रहा भीड़, क्योंकि हिंदू धर्म में माना जाता है कि जो भी यहाँ पे स्नान करते हैं उनका जो भी पाप होता है वो धुल जाता है। इसीलिए हर एक कोने से, जितने भी इंडिया का कोने से लोग आते हैं और यहाँ पे आके स्नान करते हैं। और ये रहा नज़ारा, मुख्य मंदिर श्री गंगा माता, यहीं से आप लोग दर्शन कर सकते हैं। और वहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एक शिव जी का स्टेचू है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्टेचू है, बहुत ही बड़ा दोस्तों। और यहाँ पे प्रशासन भी लगी हुई है, और यहाँ से हम लोग स्नान भी करने वाले हैं। तो बस आप लोग ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहें ताकि सारा चीज़ मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ कि किस तरह से यहाँ पे क्राउड है। तो फाइनली हम लोग हर की पौड़ी पहुँच चुके हैं, और यहाँ से आप लोग नज़ारा देख सकते हैं, काफ़ी गजब का भीड़ है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हर एक कोने से, भारत के हर एक कोने से लोग आते हैं और यहाँ पे स्नान करते हैं। जो भी यहाँ पे स्नान करते हैं उनकी जो पाप होता है वो धुल जाती है, इसीलिए लोग यहाँ पे आते हैं और स्नान करते हैं। और ये रहा सामने में नज़ारा देख पा रहे होंगे, और कुछ देर बाद हम लोग भी यहाँ पे स्नान करने वाले हैं हर की पौड़ी पे। और ये रहा क्राउड,
काफी नेक्स्ट लेवल का है और सबको यहाँ से गंगा स्नान करके जल उठा के जाते हैं। और भारत के हर एक कोने कोने पे जहाँ पे शिव जी का मंदिर है वहाँ पे जाके जल चढ़ाते हैं, जैसे कि केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, देवघर और बहुत सारे ऐसे स्पेस है जहाँ पे यहाँ से गंगा से जल उठा के लोग जाते हैं और जाके जल अभिषेक करते हैं, जल चढ़ाते हैं बाबा को। तो इसीलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा आप लोगों को भीड़ देखने को मिलता है हर एक वर्ष। और ये रहा क्राउड, आप लोग कमेंट में जरूर लिखें हर हर गंगे। और ये रहा दोस्तों नज़ारा, और ये रहा वहाँ पे एक स्टेचू भी मिलेगी, साथ में वहाँ पे एक शिव जी का स्टेचू है जो कि काफ़ी बड़ा है, वो आप लोग ज़्यादातर शॉर्ट्स पे देखे होंगे वायरल होते हुए। तो यहीं का है, हरिद्वार का ही है। और यदि आप लोग हरिद्वार आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा आपको ऐसे स्पेस मिल जाएंगे जहाँ पे आप लोग घूम सकते हैं, जैसा कि सबसे बड़ा धाम है केदारनाथ धाम जो कि यहीं पर स्थित है उत्तराखंड पे। तो यदि आप लोग उत्तराखंड आते हैं तो हरिद्वार जरूर आएँ और ऋषिकेश भी आएँ और ऋषिकेश का भी आप लोग दर्शन करके जाएँ।